हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 की जो पुस्तक है भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो कक्षा 12 की पुस्तक है भारतीय इतिहास की, उसमें हम देखेंगे कि तीन भाग में, भाग एक, भाग दो, भाग तीन करके, तो हम लोग भाग दो पर बात किया जा रहा है क्योंकि भाग एक पहले कंप्लीट हो चुका है और भाग दो का भी दो अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन दो अध्यायों में हमने देखा कि मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमने यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों के बारे में बात किया है, फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन के बारे में बात किया मध्यकालीन भारत के, और हम लोग आज अब बात कर रहे हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था मध्यकालीन भारत में, वो किस प्रकार से स्थापित किया गया था। और उसमें भी हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, तो एक लेक्चर पर बात हो चुकी है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, किस तरह से वहाँ के संस्थापक हुए, और विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी की खोज है वो किस प्रकार से हुई थी, उन सारी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। तो अब आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग दो, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। ठीक है, तो इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे और देखा जाएगा कि आज के लेक्चर में किस प्रकार से राय, नानक और सुल्तान की बातें की जाती हैं, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, पहले हम हेडिंग्स बता देते हैं कौन कौन सी पढ़नी है। तो हम लोगों को पढ़ना है आज पहली जो होगी राय, नानक तथा सुल्तान। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और सुल्तान आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आते थे। ठीक है, तो राय जो हैं आपके, देखेंगे कि राय जो हैं वो जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुए तुलु वंश के, उन लोगों ने अपने को राय से नाम से संबोधित किया था। ठीक है, और नानक क्या है, नानक यहाँ पर सैन्य प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के बारे में बात किया जा रहा है, और इसके बारे में नानक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वो किस प्रकार से थे। ठीक है, तो राय, नानक तथा सुल्तान के बारे के बाद जो सब हेडिंग है इसकी, पहले हम लोग बात करेंगे शासक और व्यापारी। शासक और व्यापारी, ठीक है, तो पहली हेडिंग ये है, इसके बारे में बात किया जाएगा। दूसरी है राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। ठीक है, राज्य का चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष तथा पतन, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जितना भी बात किया जाए, जिस प्रकार से प्रशासन है, जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और उतनी सारी जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिस तरह से स्थापत्य है और जिस समय वो शासन और शासक हुए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है। और जो तीसरी सबहेडिंग है इसके बारे में बात करेंगे राय तथा नानक, राय तथा नानक। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में अगर भारतीय साम्राज्य के बारे में अगर बात किया जाए, तो जो भारतीय साम्राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह साम्राज्य जो है इतने कठिनाइयों पूर्व बसा, फिर उसके बाद जिस प्रकार से उस पर आक्रमण हुए और जिस तरह से वहाँ के शासक वर्ग हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। जैसे कि कृष्णदेव राय हो गए, राम राय हो गया, तो इसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा विस्मरणीय देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए किस पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस पुस्तक का अध्ययन करें, इस पुस्तक को आप लोग अपने पास रखिए, और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपके बेसिक नॉलेज को एकदम क्लियर कर देगी कि एनसीईआरटी किस प्रकार से किसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से किसी पुस्तक को समझना चाहिए, वो सारी बातें जो हैं एनसीईआरटी आप लोगों से करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं 16वीं सदी, यानी कि 1400 से 1600 सदी के बीच की बातें हम लोग करेंगे, जहाँ पर 200 साल का इतिहास हम लोगों को देखना है। और राय, नानक तथा सुल्तान के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, तो उन्हें भी आप लोगों को बताया कि राय किसे कहते हैं, यहाँ पर नायक दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नानक हम लिखे हैं, तो यहाँ पर
ये नायक होगा। ठीक है, तो नायकों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि नायक किस प्रकार से होते थे और नायक का कार्य जो किस प्रकार से होता था। ठीक है, तो राय, नानक, नायक तथा सुल्तान। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आज बात किया जाएगा। और विजयनगर अपने चरम उत्कर्ष के बारे में किस प्रकार से बात करता है। ठीक है, तो हमने राय के बारे में बताया कि विजयनगर के साम्राज्य के जो शासक वर्ग है वो अपने अरक को राय कहकर संबोधित किए थे। नायक एक तरह से सैन्य अधिकारी होते थे और सुल्तान जो है आपके दिल्ली सल्तनत के जो इस्लामिक शासन के वर्ग शासक है उसको सुल्तान बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की खोज हुई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया और फिर किस प्रकार से उसके बारे में बात किया जा रहा है, वो कितनी कठिनाईपूर्ण हो रही थी और कितनी समस्याएं हो रही थी कि पहले विजयनगर के बारे में हम्पी में कुछ पांडुलिपियों को खोजा गया, फिर अभिलेखी साक्ष्य को जुटाया गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा गया, उसमें सिमिलर उसमें देखा गया कि कौन सी चीज़ें समानता हैं, फिर उसके बाद समानताओं को लेकर विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखा गया था और वहाँ पर जो समय काल का निर्धारण करना है वो किस प्रकार से कितनी कठिनाईपूर्ण होती है किसी इतिहास को लेखन के लिए और किसी इतिहास को समझने और उसको समझाने के लिए जो पांडुलिपि हैं, जो अभिलेखी है, साक्ष्य है, वो पढ़ने के लिए किस प्रकार से कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया है। और एनसीईआरटी को हमने एक डेवलपमेंट के रूप में देखा है, पूरे एकदम हमने पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक पूरे एकदम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार से सामाजिक विन्यास हुए, सामाजिक संरचना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक हर एक चीज़ के बारे में, शासक वर्ग किस प्रकार से हुए, फिर हर एक राजवंश के बारे में हमने आप लोगों को डिफाइन किया है। हमने हर एक शासक के बारे में बात नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में दिया है एनसीईआरटी में। हमने अपने तरफ से जितना हम लोगों ने पढ़ाया, जितना अनुभव है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हमने पूरा एकदम इतिहास बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो वो सारी बातें आप लोग पढ़िए, सुनिए, समझिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास के बारे में अनसुलझे पहलू हैं, उनको समझने की ज़रूरत होंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि परंपरा अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरि और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य के अस्थित सीमाओं को अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, यहाँ धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग थे। अपनी उत्तरी सीमाओं को विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं जिसमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया, साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों आदान प्रदान। तो यहाँ पर यह बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो शासक वर्ग थे अपने साम्राज्य को अक्षुण बनाए रखे और किस प्रकार से राज्य का विस्तार किया और साम्राज्यवादी विस्तार नीतियाँ यहाँ पर किस प्रकार से कार्य कर रही थी और वहाँ पर किसने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा यहाँ पर स्थापना किया गया था विजयनगर साम्राज्य के, और उनके द्वारा ही देखेंगे कि वहाँ पे जो दो लोग रहते हैं, एक यहाँ पर नाम लिखे हैं पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि शायर थे और इनके साथ है और एक कवि और थे। ठीक है, तो उन दोनों कवियों के प्रेरणा स्रोत बने और उनके प्रेरणा से यह देखेंगे कि जो हरिहर और बुक्का ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना किया जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया और कालांतर में वह साम्राज्य इतना अपने आप को लेकर फला फूला, सभ्यताओं को लेकर विकसित हुआ, किस प्रकार से वहाँ के सामाजिक संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो गई हैं और फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से उन लोगों ने संपर्क साधे, किस प्रकार से उन लोगों ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों को लेकर चला, किस प्रकार से उन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो वहाँ पर बात किया जाए कि उन्होंने अपने जो अवधारणाएँ निकल कर आई थी कि साम्राज्य कहे गए, तो यहाँ पर कर्नाटक साम्राज्यमुख की बात की जा रही है कि जो विजयनगर साम्राज्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं वही समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमुख की खोज की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें की जा रही हैं कि लोगों के द्वारा भी नामकरण किए गए थे। ठीक है, और वहाँ पर अगर मान चलिए कि वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अगर विजयनगर साम्राज्य में जिस प्रकार से वहाँ पर धार्मिक चीज़ें देखने को मिली, धर्म में जो समन्वय स्थापित किया गया है विजयनगर साम्राज्य में वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है क्योंकि ब्राह्मणवादी धर्म की परंपराओं से एकदम बिल्कुल भिन्न है विजयनगर साम्राज्य की जो धार्मिक परंपराएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धर्मों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है, अलवार संतों, नैनार संतों को यहाँ पर संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और जो यहाँ पर अब्दुल रजाक देखेंगे, फिर उसके बाद निकोलो कोंटी देखेंगे, कुछ विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए हैं और उनके यात्रा वृत्तांतों से भी बहुत सारे जो जानकारियाँ हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखने को मिली थी वो सारी चीज़ें धरोहर के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि
इन क्षेत्रों में शासक वर्ग अपने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर तथा वेल्लूर के चन्नकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के शासकों जो अपने आप में राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसा कि हम देखेंगे कि नए उनकी ऊंचाइयां तक पहुंची। तो आप देखेंगे कि बात किया जा रही है कि किस प्रकार से स्थापित हुए मंदिर हुए, सामाजिक संरचनाएं हुई और सामाजिक जो रीति रिवाज परंपरा हुए वो किस प्रकार से भिन्नता को लेते हुए एक नवीन समाज की पद्धति जैसे कि इस्लामिक परंपराओं में आगे फले फूले बढ़े और वहाँ पर अपने धर्म को एक अक्षुण बनाए रखा है और स्थापित करने का प्रयास किया था। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है और स्मरणीय भी हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी कि इस प्रकार से कार्य जो है विजयनगर साम्राज्य में भी हो रहे थे। ठीक है, तो वो सारी बातें जो है जिस प्रकार से वहाँ पर एक यात्री था तो एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के लेवल में, आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में किसमें निपुण थी, तो उसमें फिर बाहुबल के बारे में दिया था, ज्योतिष के बारे में दिया था, खगोल के बारे में दिया था, फिर चिकित्सा में भी दिया था। तो उसमें सभी जो हैं कि सभी ऑप्शन सही थे कि विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएँ हैं खेल में भी थी, खगोल में भी थी, चिकित्सा में भी थी और पढ़ाई लिखाई में भी वहाँ पर थी। तो इस तरह से जो महिलाओं को संरक्षण दिया गया था, उस महिलाओं में समानता देखने को मिली थी विजयनगर साम्राज्य में, वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय थी क्योंकि प्राचीन काल से ही देखेंगे कि महिलाओं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर ऋग वैदिक काल को हम लोग छोड़ दिया जाए तो उत्तर वैदिक काल से ही देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। ठीक है, और गुप्त काल राजपूत काल तक तो महिलाओं की स्थिति में एकदम इतना गिर गया, इतनी गिरावट आ गई कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। वो वहीं पर आप देखेंगे कि जो सामाजिक काल है वहाँ पर समाज को लेकर किसी भी काल को स्वर्ण काल नहीं बोला गया है। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला गया साहित्य के आधार पर, समाज के आधार पर नहीं बोला गया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझिए कि समाज की संरचना कितनी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिली थी, किस प्रकार सामाजिक संरचनाएँ देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए, और ये सोचने वाली बात है कि जो समाज में चीज़ें घटित हो रही थी, जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी, जिस प्रकार से अन्य लोगों की स्थिति थी, मान लीजिए कि वैश्यों की, शूद्रों की, तो समाज में दो ही वर्ग तो उच्च वर्ग में आते थे जिसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग है, और फिर वैश्य और शूद्र को तो ये लोग कुछ भी नहीं समझते थे। जिस उस प्रकार से सामाजिक संरचनाओं का विकास किया गया था और महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। और वो सोचने वाली बात है कि वैसा कार्य जो है कि समाज के लोगों ने खुद के ऊपर ही किया है, ये सबसे बड़ी सोचनीय वाली बात है कि सबसे बड़ी निंदनीय वाली बात है कि जिस समाज में लोग रह रहे हैं उसी समाज के लोगों ने खुद के ऊपर इसका प्रयोग किया है। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय। बाकी चीज़ें आप ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, चाहे स्थापत्य में ले लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था में ले लीजिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी स्थिति में देखने को मिलेगी। सिर्फ सामाजिक संरचना व्यवस्थाएं जो हैं वही बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई हैं और फिर वहाँ पर निंदनीय भी हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समानता तो मान लीजिए कि 0% है, समानता कभी समाज में आई ही नहीं है भारतीय समाज में, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो समानता को अगर बात करें तो कभी भी भारतीय समाज में नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यही आधार है कि कम से कम आप समानता को लेकर नहीं चल रहे लेकिन सामाजिक समन्वय को स्थापित तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से देखने को मिलता है। और उसी आधार पर हम लोग विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर बात करेंगे कि उन लोगों के शासकों ने किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया था समाज में। ठीक है, तो यही सोचने वाली बात हो जाती है कि खुद के लोगों ने खुद के ऊपर वो सारी सामाजिक संरचनाओं को थोपा, जबरदस्ती वहाँ पर पालन कराने का प्रयास किया गया था, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए कि ये मंदिर है, गोपुरम है, यानी गोपुरम मतलब कि जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको गोपुरम बोला जाता था। तो यहाँ पर तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये वृद्धेश्वर मंदिर का यह प्रवेश द्वार है, आप देखिए कि किस प्रकार से इस मंदिर का बनाया गया है, नक्काशी की गई है, यहाँ पर संरचना किस प्रकार से डेवलप किया गया है। तो स्थापत्य के मामले में बहुत ही भारत जो है बहुत ही ज़्यादा विकासशील है, वहाँ पर हम लोग स्थापत्य के मामले में विकसित भी हो सकते हैं। जिस काल में हम लोगों में क्या मंदिरों का निर्माण हो रहा था, जिस प्रकार से हम लोगों के स्थापत्य कला का जो निर्माण हो रहा था, अभी हाल ही में देखेंगे कुछ दिन पहले की बात है कि भारत का एक मंदिर जो है वो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा
यहाँ पर आप देखेंगे कि अतुलनीय है, वो एकदम उल्लेखनीय बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स दिए गए, बॉक्स है कि हाथी घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, ठीक है। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों का अश्वपति या घोड़े को घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों का स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर शासक वर्गों के बारे में बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से शासक वर्गों को वहाँ पर उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शासक और व्यापारी के बारे में। तो यहाँ पर जारी सी बात है कि यहाँ पर अब जब बात देखा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो विजयनगर हम बात कर रहे हैं कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी यानी कि 1300 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है कितना वहाँ पर समृद्धि हासिल किए हुए है, कि मध्यकालीन भारत में कि व्यापार का जो वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, राजस्व की उगाही करने के लिए किया जा रहा था। और यहाँ पर विदेशी लोग भी व्यापार करने के लिए आ रहे थे। 1498 में ही आप देखेंगे कि वहाँ पर वास्को डी गामा जो आता है वहाँ पर पुर्तगाली के रूप में 1498 में भारत में लोदी वंश का शासन था केंद्र में, और फिर वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो व्यापारी आए पुर्तगाल से आए थे, तो वो कहाँ पर आए, वास्को डी गामा कहाँ से आया था, केप ऑफ गुड होप से होकर आया था, जब वहाँ पर अटलांटिक महासागर से होकर दक्षिण अफ्रीका से लेकर वहाँ पर कालीकट पर पहुँचा था अरब सागर होते हुए। तो कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में। अब दक्षिण में आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है, फिर वहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है बामनी, वहाँ पर हरिहर भुक्कन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो वो सारे साम्राज्य जो हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। और केरल में जब पहुँचे तो केरल में आप देखेंगे कि पांड्य हैं, चेर हैं, ठीक है, कर्नाटक में चोल हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिला था। तो जब कालीकट और पुर्तगाली पहुँचे, जब वहाँ पर व्यापार किया, उनको फायदा हुआ, तो वो सारे व्यापारी भी यहाँ पर देखने को मिले थे। और जब यहाँ पर संपर्क साधे लोग, तो यहाँ के लोग जो गए यूरोप गए, यूरोप के लोग यहाँ पर आए, और कालांतर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर स्थापित हुए थे, ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है कि शासक वर्ग से व्यापारी, शासक वर्ग और व्यापारी, चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों को स्थानीय समूह जिन्हें कुदवई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। यहाँ पर आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए कि कुदरई चट्टी, ठीक है, कुदरई चट्टी, ये शब्द जो प्रयोग किया गया है घोड़ों के व्यापारी के लिए किया गया है, घोड़ों के व्यापारी, ठीक है, कहाँ किया गया है, ये अरब से घोड़ों का व्यापार होता था, तो अरब के यात्रियों को यहाँ पर व्यापारी बोला गया था, तो वहाँ पर कुदरई चट्टी उनका नाम पड़ गया था। वहाँ पर दक्षिण भारत में प्रयोग किया गया है, वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होगा और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे लोग साम्राज्य में होंगे, तो उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा था। फिर देखेंगे कि 1498 ईस्वी के कुछ लोग पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों को ने के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता की। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में बात किया जा रहा है कि उन लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर सामरिक और वहाँ पर सामरिक और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, और उनके द्वारा जो वो संसाधन लेकर आए थे जिसमें बंदूक हो गए, तो बंदूकों के आधार पर उन्होंने समाज में एक शासक वर्ग के समक्ष वहाँ पर एक सैन्य शक्ति स्थापित करने का प्रयत्न हुआ था, ठीक है। तो राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार का एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और भूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व की समृद्धि और महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो यहाँ पर जो व्यापार से राजस्व की उगाही हो जाती थी, जो राजस्व उत्पत्ति किया जा रहा था, उसके आधार पर यहाँ पर राज्य जो है राज्य का समृद्धि स्थापित हो जा रहा था, समृद्धि देखने को मिल रही थी। और इसी कारण से देखेंगे कि यहाँ पर शासक वर्ग और व्यापारियों में समन्वय स्थापना देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखिए कि किस प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य के लोग हैं, वहाँ के शासक वर्ग हैं, वहाँ पर जो समृद्धि स्थिर
समृद्धि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, तो व्यापार हो गए, व्यापार के आधार पर किया जा रहा है। और विजयनगर साम्राज्य आप देखेंगे कि वहाँ पर केरल के में तो बहुत ज़्यादा मसालों का हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, मसाले के बागान भी केरल को कहा जाता है और केरल में तरह तरह के मसाले उगाए जाते हैं। तो वहाँ पर मसालों का प्रयोग जो यूरोप में बहुत ज़्यादा देखने को, और यहाँ पर देखेंगे कि जो मदुरई है केरल में, मदुरई आप देखेंगे कि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, तो यहाँ तमिलनाडु में शायद है। तो मदुरई का जो वहाँ पर पांड्य शासक थे, तो पांड्य राज्य का जो मोती होता है, ठीक है, तो मोती बहुत ही ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था उस समय, तो वहाँ से रत्न आभूषण भी देखने को मिल रहे थे। तो उनका जो व्यापार किया जा रहा था, उनसे जो राजस्व की प्राप्ति की जाती, उससे जो सरकार वहाँ पर सत्ता वर्ग को मिला था, तो उन्होंने अपने उसके आधार पर अपने साम्राज्य को समृद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह की चीज़ें समझ कर देखेंगे तो आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य की जो साम्राज्य है और उसका जो समृद्धि है वो सारी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं कि इसके स्रोत दो जो है, राजा था और व्यापारी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय शासनकाल 1509 से 1529। ठीक है, तो 1509 से 1529 में अब केंद्र में देखेंगे तो किसका शासन है, जहांगीर का शासन है। क्योंकि आप देखेंगे कि 1509 में वहाँ पर नहीं, 1526 में तो बाबर आया ही था, तो वहाँ पर 1509 में आप देखेंगे कि लोधी वंश का शासक है। और यहाँ पर देखिए कि लोधी वंश जब केंद्र में है तो उसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो अब देखेंगे कि मध्य भारत में दक्कन वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, वहाँ पर शासक हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि कृष्णदेव राय ने शासन कला के विषय में अमुक्त माल्य नामक तेलुगु भाषा के में एक कृति लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर अमुक्त माल्य जो है कृष्णदेव राय की एक रचना है, वहाँ पर इसके रचना के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अमुक्त माल्यद में वहाँ पर उन्होंने व्यापारियों के विषय में लिखा है कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके विदेश में उतरना पड़ता है, कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज़ बैठक में बुलाकर तोहफे देकर या तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय जो शासक है वो अपने मुक्त माल्यद रचना में किस प्रकार से वहाँ पर बातें कर रहे हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, उनको एक नियम बनाना चाहिए, एकदम उदारवादी नियम बनाना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से वहाँ पर जो रत्न आभूषण है, जो वहाँ पर घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन है, तो उनका जो आयात किया जा सके बंदरगाहों पर। ठीक है, और बंदरगाह पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको का जो आयात है उनको भी एकदम बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए, उनको तो बुलाकर उनका आवाभगत भी करनी चाहिए, सेवा सत्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वहाँ पर घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो आपके दुश्मनों तक नहीं पहुँचेंगे अगर आप सद्भाव समन्वय बनाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से जो बातें हैं विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय करते हैं, तो वहाँ पर सोचिए कि किस प्रकार से उनकी जो राजनीति है, कूटनीति है, विदेश नीति है, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। ये जो सैनिक कमांडर है ना, इन्हीं को नायक वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगली हेडिंग में बात किया जाएगा। तो जो सैनिक कमांडर शामिल थे, पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा, उन्होंने सुलुओं को उखाड़ फेंका। सुलू वंश, यहाँ पर सुलू वंश थे विजयनगर साम्राज्य में, उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे। ठीक है, सैनिक कमांडर थे वो, सोच आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिएगा कि क्योंकि ये फैक्ट के रूप में कभी भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, और वन डे एग्जाम से भी पूछ लिया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न। ठीक है, तो कमांडर थे वे, 1503 तक सत्ता में रहे, इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेव राय तुलुओं से ही संबंध थे। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 तक शासन को किए थे, तो वहाँ पर
कृष्णदेव राज जो थे तुलु वंश से शासक थे, ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण, इस काल के तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब, ठीक है। तो रायचूर तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच के जो दोआब है उसको रायचूर दोआब बोला गया था, क्षेत्र हासिल किया गया, ठीक है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है रायचूर दोआब को कब हासिल किया गया था, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, और दोआब क्या होते हैं, दोआब जो होते हैं कि नदी, दो नदियों के बीच, ठीक है, दो नदियों के मध्य में जो उपजाऊ भूमि है उसको दोआब बोला गया है, ठीक है। तो रायचूर दोआब को हासिल कब किया गया था, 1512 ईस्वी में। फिर उड़ीसा को हासिल किया गया था यहाँ पर 1514 में। ये कृष्णदेव राय की उपलब्धियाँ हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कब कब किया गया था। फिर उसके बाद देखेंगे कि बीजापुर को हासिल किया गया था 1520 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी, यानी कि साम्राज्य विस्तार नीति थी और उसको साम्राज्य को सुदृढ़ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा के नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया, जिसे रायचूर दोआब बोला गया 1512 में। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में। बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का अभियान चला, उन्होंने यहाँ पर विजय सफलता हासिल की और अपने साम्राज्य में इसको मिलाया, ठीक है। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता है, लेकिन फिर यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य गोपुरमों का जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि नागलपुरम नामक जो राज्य है, नागलपुरम नामक नगर की स्थापना किसने किया था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है। नागलपुरम नामक नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने अपनी माँ की स्मृति में किया था, माता की स्मृति में या माता के नाम पर ही उसने स्थापना किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में राजकीय ढांचे में होने के पश्चात राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगे थे। यहाँ पर 1529 में मरने के बाद कृष्णदेव राय के, वहाँ पर आप देखेंगे कि 1529 में वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और वहाँ पर देखेंगे कि उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा, ठीक है। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजगी वंश अराविडू के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों के साथ ये दक्कन सल्तनतों के शासकों के सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौतों के रूप में परिणत हुई। और देखेंगे कि 1565 में विजयनगर के सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था। और यहाँ पर राक्षसी तांगड़ी जो है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, अब देखेंगे कि यह एक गाँव है, दो गाँव हैं, राक्षसी तांगड़ी नामक दो गाँव हैं, और उन दो गाँवों के बीच में कि दो गांवों के आगे एक तालिकोटा नामक जगह है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने, वहाँ पर 6 शासक वर्ग थे, वहाँ पर दिल्ली सल्तनत के लोग भी थे, यहाँ पर हैदराबाद के निजाम भी थे, तो 6 शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था और वहाँ पर राम राय को पूरी तरह से पराजित किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से तालिकोटा का युद्ध राक्षसी तांगड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राक्षसी तांगड़ी क्या है, अगर कभी क्वेश्चन पूछते तो ये गांव है, ठीक है, एक जगह का नाम है, गांव है, दो गांव है, एक नहीं है, राक्षसी अलग है, तांगड़ी अलग है, उन दो गांवों के नाम पर राक्षसी तांगड़ी युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध को तालिकोटा का युद्ध भी बोला गया और यह विजयनगर साम्राज्य और वहाँ पर गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं
और वहाँ पर अन्य संयुक्त सेनाओं के साथ लड़ा गया युद्ध था। और यहाँ पर विजयनगर की हारी और विजयनगर को इतना लूटा गया था इस युद्ध के बाद, इतना लूटा गया कि वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य खंडहर बन गया था। और 16वीं शताब्दी आते आते विजयनगर साम्राज्य के पूरे एकदम अवशेष खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर देखिए कि विजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अराविडु राजवंश ने पेनुकुंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। ठीक है, तो तिरुपति का जो बाला तिरुपति का जो मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु से वहाँ पर तमिलनाडु में कौन है? चोल वंश है। और वहीं पर अराविडु वंश भी देखने को मिलता है। और तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो देखेंगे कि वहाँ पर दक्कन का जो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर वाले हैं, और महाराष्ट्र वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश से सटे हुए वहाँ पर महाराष्ट्र में बरार है, बीदर है, और फिर उसके बाद उड़ीसा में है। उड़ीसा में आप जाएंगे तो उड़ीसा में वहाँ पर देखेंगे कि सल्तनत वंश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक मैप आप देखिए कि यह दक्षिण भारत का मैप है कि किस प्रकार से वहाँ पर बातें की जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार से विजयनगर पर साम्राज्य पर शासन की, वहाँ पर जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को एकदम खंडहर बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों को सेना उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार विजयपुर के सुल्तानों ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर साम्राज्य शासक और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे से स्थापित को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह अराब राय की जोखिम भरी नीति थी कि जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान के दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, तो वही बात हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ विजयनगर, वहाँ पर देखिए कि विजयपुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, वहाँ पर सिर्फ तीन ही नहीं है, छह शासक हैं। छह शासक वर्गों ने मिलकर वहाँ पर तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, और विजयनगर को पराजय का जो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है वो सल्तनतकालीन शासकों को जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप देखिए और देखिए कि किस प्रकार से विजयनगर के भव्य, जिस प्रकार से कृष्णदेव राय ने विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किया और अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, तो कालांतर में उसको आप इस तरह से समझ कर देखिए कि अगर कोई भी साम्राज्य है तो वो हमेशा एक तरह से नहीं रहेगा। ठीक है, समय के साथ वो बदलता रहेगा, वहाँ पर समय के साथ उसके कुछ न कुछ खंडित होते रहेंगे। तो वही कारण विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने देखा करने को मिलता है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात तनाव उत्पन्न हुए। 1529 में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, और तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तो इतने समय अंतराल में भी विजयनगर साम्राज्य वो अपने को संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अंत में राम राय की जो नीतियाँ थीं कि एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध करने की, वो कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुई और वहाँ पर सुल्तान वर्ग जो हैं वो एक हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि इस्लामिक जो कट वहाँ पर इस्लामिक यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस्लामिक एकता देखने को मिलती है जो वहाँ पर भारत में शासक वर्गों में, हिंदू शासक वर्गों में नहीं देखने को मिलती। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि शासक वर्ग जो है, सल्तनत काल जो है, सल्तनत वर्ग के जो शासक हैं वो लोग एक हो गए थे और एक होकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और उतने ही समय में आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य उतने ही शासनकाल में, उतने ही समय में किस प्रकार से वहाँ पर चरमोत्कर्ष पहुँचा और फला फूला, और वहाँ पर जो साम्राज्यिक समाज की संरचना देखने को मिलती है विजयनगर साम्राज्य की किस प्रकार से थी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि राय तथा नाना के बारे में। तो यहाँ पर राय, हमने यहाँ पर एक बॉक्स आप देखिए कि किस प्रकार से आप मैप यहाँ पर देखिए, और इस पुस्तक को आप लोग अपने पास रखे रहिए क्योंकि इस पुस्तक का बहुत ही ज़्यादा इतिहास पढ़ने में योगदान रहेगा और आप लोग इतिहास को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मैप देखिए, मैप समझिए, मैप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों
आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर यवन साम्राज्य, यवनों का हमने अब पीछे बात किया है कि वहाँ पर हिंदुओं का शब्द का प्रयोग किस प्रकार, इंडो ग्रीकों का शब्द का किस प्रकार, हिंद यवन शासकों का शब्द किस प्रकार से किया गया है, वो सारी चीज़ हमने विस्तार पूर्वक बात किया है। उसको आप लोग देखिए, समझिए और एकदम चिंतन मनन करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो समर्थक किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि का तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। तो हमने आपको वही बताया कि जो सैन्य कमांडर होते थे, सैनिक प्रणालियाँ होती थीं, उनके जो सेनापति होते थे उनको नायक बोला गया। और नायक वर्ग में आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि जो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की जो व्यवस्था की गई थी, उस इक्ता प्रणाली की कुछ अवशेष जो हैं, अंश जो हैं, आपके नायक प्रणाली में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात करने के प्रयास किया जा रहा है कि नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। ठीक है, तो वही हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इल्तुतमिश की एकता प्रणाली से लिए गए थे और वो ऐसा माना जाता है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो वही सारी बातें किया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उन लोगों ने सैनिक कमांडरों को नायक नाम दिया गया, सैनिक कमांडर उनको एक क्षेत्र भी राज्य जो राजा था उसके जरिए उसको उन लोगों को क्षेत्र भी दिया जाता था कि वहाँ पर वो लोग शासन प्रशासन चले, वहाँ के राजस्व उगाही करें, टैक्स देते रहे सरकार को। और जो नायक वर्ग है वो शासक को एक साल में एक बार राजस्व देते थे और वो कभी कभी जो नायक वर्ग है वो राजा के दरबार में उपस्थित होते थे, उपहारों के साथ उपस्थित होते थे और राजा जो है उनकी सहायता जो है युद्धों में लेते थे, सामाजिक संरचनाओं में लेते थे, विद्रोहों को दबाने में प्रयोग किया जा रहा था उनका। तो इस प्रकार से नायक तथा जो अमर नायक प्रणाली है वो चलती थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिए और देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया इस बॉक्स है कि अमर शब्द आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। वह यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ है ऊँचे पद का कुलीन व्यक्ति। ठीक है, तो वही बात किया जा रहा है कि जिस प्रकार से देखेंगे कि सल्तनत काल और मुगल काल में अमीर वर्ग था, अमीरों को सेनापति भी बोला जाता था, वो उच्च वर्ग उच्च पद धारण करते थे, तो वहाँ सैन्य कमांडर के रूप में अमीर वर्ग थे मुगल काल में और सल्तनत काल में। उसी प्रकार से नायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो चैप्टर है हम लोगों का ख़त्म होता है और कल हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा कि विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ही हमको लग रहा है कि बड़ा होगा, नहीं बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे शहरी तथा उसके परिप्रदेश के बारे में, यानी कि उसके जो क्षेत्र थे वो किस प्रकार से थे। तो आज हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के शासक वर्ग थे, किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ, विजयनगर साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष से पहुँचा और फिर विजयनगर साम्राज्य का किस प्रकार से पतन हुआ था। ठीक है, तो इन सारी बातों पर आज हम लोग बात किए और इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि विजयनगर के साम्राज्य के शासन प्रणालियाँ भी किस प्रकार से थी उसके बारे में भी हम लोग बात किए, शासक वर्ग किस प्रकार से थे, वो सारी बातें हम लोगों ने किया। तो उसके आधार पर आप लोग इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए और किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य है उसको भी आप लोग देखिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, विजयनगर साम्राज्य पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं और सदाबहार प्रश्न बनते हैं जो हमेशा रिपीटेड भी होते रहेंगे और हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इससे विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न बनते हैं और ये फॉरएवर प्रश्न होते हैं और हर एक समय में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो
इस प्रकार से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद होती होगी और एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी बेसिक नॉलेज देगी आप लोगों को और हर एक प्रकार के नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोचने समझने की क्षमता जो है आप लोगों का एकदम बढ़ेगा और उसको समझिए, चिंतन मनन करिए और एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि एनसीईआरटी जो पुस्तक है वो बातें कर रही है आप लोगों आपसे, ठीक है। तो पढ़िए, लिखिए, समझिए और चिंतन मनन जरूर करिए। किसी भी चीज़ को पढ़कर छोड़िए मत, जब तक आप उसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर विचार अपने नहीं लग रखेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को ब्रॉड लेवल में समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, किसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर आप लोग सोचेंगे समझेंगे तभी आप लोग एक अच्छे समाज, एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, सोचिए, समझिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भ्रष्टाचार से बचिए, करप्शन से बचिए, बहकावे में किसी के मत आइए। जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं वही चीज़ें करिए और एकदम बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे, पढ़ाई में रेगुलरिटी रहेगी तो निश्चित ही है कि एक दिन सफलता मिलेगी, ठीक है। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, सफलता उसी को मिलेगी, मिलने वाली है, बाकी अन्य लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।